हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट प्लेइंग विद नंबर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्यूब्स और क्यूब रूट्स निकालना। आज हम नंबरों के संग खेलना सीखेंगे, कैसे खेलते हैं। इसकी पहले दो कंडीशन है, एक जनरल इक्वेशन है और नंबर्स विद पजल्स है। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है ये हम देखते हैं। जनरल इक्वेशन ए बी इज़ टू टेन ए प्लस बी। जो ए और बी है वो टू डिजिट्स हैं एक नंबर की। यहाँ पर बी जो है वो यूनिट प्लेस पे आता है और ए इज़ द टेंस प्लेस पे आता है। पर ए बी का मतलब ये नहीं है कि ए क्रॉस बी हो, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी हो। यहाँ पे ए बी दो डिजिट्स हैं। जैसे हमने 23 लिखा है, 23 क्या है, एक डिजिट है पूरी, दो नंबर्स की एक डिजिट। यहाँ पर दो नंबर्स की हैं, तीन नंबर्स की भी हो सकती है, ए बी सी हो सकती है। तो हमारी जनरल इक्वेशन होगी 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू सी बी प्लस सी। सी इज़ अ कॉन्स्टेंट, जैसे यहाँ पे बी इज कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे सी आ रहा है, टेंस प्लेस पे बी और हंड्रेड प्लेस पे ए। नंबर वो नंबर पल्स गेम क्या है, इसमें दो इक्वेशन होती हैं, हम उसे ऐड करते हैं तो हमारी एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, जो होती है ए बी प्लस बी ए अपॉन ए प्लस बी इजिकल्स टू 11। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशनों को आराम से एक्सरसाइज में समझेंगे। जैसे एक्सरसाइज हमारी 5.1 स्टार्ट होती है। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरल फॉर्म। हमें जनरलाइजेशन फॉर्म में इसे निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन को। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं इधर। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 85, तो 85 को हमने एक डिजिट है हमारी पूरी 85। इसकी बी फाइव जो है वो यूनिट प्लेस है और एट जो है वो टेंथ प्लेस है। तो ए इजकस टू 8 और बी इजकस टू 5। हम देखेंगे हमारी जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, ए बी इजिकल्स टू 10 ए प्लस बी। ठीक है, तो ए बी की जगह तो हम 85 रहते हैं क्योंकि ए बी हमारा क्या है 85, ए 8 और बी 5, 85 आ गया। और 10 को हम डिक्टो रहने देंगे, सेम रहने देंगे यहाँ पे, और ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और ये लिख देंगे बी की जगह 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी। और हमें सारे क्वेश्चन इस तरह करने हैं। अब हमें एक दे रखा है तीन डिजिट्स के लिए, हम उसे देखते हैं। 398 एक डिजिट दे रखी है, जिसमें 8 जो है वो यूनिट प्लेस है, 9 10 और 300 हम इसमें यूज़ करेंगे ए बी सी वाला जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला सीखा था, ए बी सी इजकल्स टू 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। तो हमें पहले वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, ए इजकल्स टू 3, बी इजकल्स टू 9 एंड 8 इजकल्स टू सी। हम इक्वेशन देखेंगे जनरल वाली क्या थी हमारी, ये रही हमारी जनरल इक्वेशन। इसी के अकॉर्डिंग हम ए बी सी की जगह क्या लिख देंगे, 398 और 100 की जगह 100 और 8 ए की जगह 3, 10 की जगह प्लस 10 इंटू 10 सेम रहेगा, बी की जगह क्या आई थी 9 वैल्यू 9 लिख दी और सी हमारी 8 थी तो 8 लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। और जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं दो, वो बिल्कुल डिक्टो सेकंड पार्ट की तरह होंगे, बिल्कुल सेम। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजर फॉर्म। अब हमें यूजर फॉर्म में जाना है, जैसे हमने पहले इसे जनरलाइज फॉर्म में किया था क्वेश्चन नंबर 1 को, अब हमें जनरलाइज फॉर्म को यूजर फॉर्म में करना है, मतलब बिल्कुल डिक्टो उल्टा है, अपोजिट इनवर्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देखते हैं कैसे करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है हमारा 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7। हमारी हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दी मान ली, और जो हमारी जनरल फॉर्म होती है ए बी इजकल्स टू 10 ए 10 मल्टीप्लाई बी प्लस वो ए प्लस बी, हमने इसे सेकंड मान ली। अब हमने कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को, ये ले लेंगे हम इसमें और इसमें ये ली इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो 10 से 10 कट जाएगा हमारा, ए की जगह क्या आ जाएगा 6 और बी की जगह 7। ऐसे हम दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, हमें देगा 100 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 9। हमने जनरल फॉर्म ले ली ए बी सी वाली तीन वाली। अब 100 ए जी हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो ए की जगह 5, बी की जगह 4 और सी की जगह 9। कैसे, 100 से 100 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, ए की जगह क्या बचा 4, बी की जगह 9 और सी की जगह 9 और बी की जगह 4। सॉरी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा बिल्कुल सेम।
देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब जो नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है वो पूरा लैंग्वेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी और क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो आप ध्यान से देखना इन तीनों क्वेश्चनों को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंपोजिशन, हमें जैसे हम करते हैं एक्चुअल डिवाइड माइनस वगैरह वैसे हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब फाइंड द क्विटेंट, हमें क्विटेंट निकालना है व्हेन नाइन, जब 95 माइनस 59 इज डिवाइड बाय 9 और 4, जब 95 माइनस 59 जो है वो डिवाइड हो रहा हो 9 से और 4 से, तो हम हमें एक्चुअल कंपोजिशन निकालनी है इसकी विदाउट परफॉर्मिंग, वो हमें इसे क्वोटेंट निकालना है विदाउट परफॉर्मिंग हमारे डिवाइड वाला प्रोसेस, जो हम डिवाइड का प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे यूज़ ना करके। ठीक है, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे हम। क्वेश्चन हमारा ये रहा, हियरिंग वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया है कि 95 और 59 जो है वो हमारे 10th और यूनिट प्लेस हैं, इंटरचेंज हो गए हैं, जैसे दे हैव रिवर्स डिजिट, जैसे 95 है और 59 है तो आपस में क्या है उल्टे हैं, 59 को उल्टा लिखेंगे और 95, और 95 को उल्टा लिखेंगे तो 59, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का वो डिजिट का 4 का आ रहा है, 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा।